लोगों का साथ अभी दो विशेष मुद्दा है। एक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और दूसरा है जातिगत जनगणना। हम लोग की पार्टी उस दिन कई दो तीन चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास करने जा रही है जो कि आंदोलन करेगी पार्टी उस पर। तो जातिगत जनगणना पर हम लोगों ने प्रस्ताव में ये लाया है कि हम लोग जो आगामी सत्र है उसमें हम लोग दिल्ली जा करके संसद भवन का घेराव करेंगे। और नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। सर, 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, नया साल भी आ रहा है, क्या नए मुद्दे रहेंगे इस बार बिहार के? देखिए, हम लोग का नया मुद्दा नहीं, हम लोगों का साथ अभी दो विशेष मुद्दा है। एक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और दूसरा है जातिगत जनगणना, जिसके लिए आपको बता दें कि हम लोगों का जो ये 8वां स्थापना दिवस है, जो पार्टी आज 7 वर्ष पूरा कर चुकी है और 8वें में प्रवेश की है, तो इस अवसर पर हम लोग का जो कार्यक्रम राजगीर के कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है 26 दिसंबर को, और उसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके साथ साथ हम लोग की पार्टी उस दिन कई दो तीन चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास करने जा रही है जो कि आंदोलन करेगी पार्टी उस पर, जिसमें ये बिहार को जो विशेष पैकेज की बात है उस पर और जातिगत जनगणना पर। तो जातिगत जनगणना पर हम लोगों ने प्रस्ताव में ये लाया है कि हम लोग जो आगामी सत्र है उसमें हम लोग दिल्ली जा करके संसद भवन का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जातिगत जनगणना केंद्र करे, ये बिहार करा लेगी, ये करा लेगी, स्टेट करा लेगी, ये सब पार्टी के हम लोग के नज़र में ये उचित नहीं है, क्योंकि बिहार का पैकेज, बिहार का जो रेवेन्यू बिहार में यूज होना चाहिए, न कि जातिगत जनगणना के लिए यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार का जो पैकेज की बात हुई, तो इसमें आरसीपी सिंह साहब ने, माननीय सांसद ने कहा कि पैकेज जो है मिल जाए, अगर विशेष पैकेज उससे भी काम चलेगा। नहीं नहीं, पैकेज जो है वो एक अलग चीज़ है और विशेष राज्य का दर्जा एक अलग चीज़ है। विशेष राज्य का दर्जा वर्षों तक मिलता है और उसके एक अवधि होती है और उसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं, जबकि पैकेज तो एक सीमित राशि होगा। इसलिए हम लोग इस बात पर कतई तैयार नहीं है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि यदि कभी जदयू कोई आंदोलन करती है इस पर, जैसा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करने की आवश्यकता होगी, तो जदयू इसमें आंदोलन भी करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय यदि जदयू आंदोलन करती है तो कदम से कदम मिला करके खड़ी रहेगी। सर, एक सवाल है कि बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि विधानसभा में ही DGP बोतल ढूंढ रहे हैं शराब की, क्योंकि शराब की बोतलें मिली हैं। क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी कानून सफल है? देखिए, इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये आचरण, जो शराब पीने का एक जो आचरण है, ये एक आचरण है और आप उसे कानून से बंद करना चाहते हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि आज आप देखिए, एक उदाहरण छोटा सा मैं दूँ आपसे कि जब देश में आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी कपड़ों की होली जला दो। महात्मा गांधी की एक अपील पर पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये अपील है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून बनाने से नहीं, यदि आचरण में आप सुधार करना चाहते हैं तो आप अगर नेतृत्व करते हैं और आपको लोग नेता मानते हैं तो आपके एक अपील पर शराबबंदी लगभग सफल हो जाएगी। कानून बना करके आप इसको बहुत हद तक सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें अपील करने की ही ज़रूरत है, लोगों को के आचरण को में सुधार लाने की ज़रूरत है कि लोग शराब बंदी के कानून की ज़रूरत नहीं पड़े, लोग खुद शराब छोड़ने की दिशा में सोचें। सर, एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, दो यात्रा उनकी सफल भी हो गई, आगे भी उनकी यात्रा है, उस पर क्या कहें? देखिए, हम लोग शुभकामना देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका यह समाज सुधार का जो उनका प्रयास है उसमें वो सफल हों, और यही उनकी उपलब्धि होगी, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और इसके लिए वो निकले हैं, उसके लिए हम लोग उनको शुभकामना देते हैं।
तो ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिन्होंने तमाम बातों को हमारे समक्ष रखा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून जबरन लागू की गई है, लोगों को नैतिकता के आधार पर समझाना चाहिए था, लोगों के पास अपील करनी चाहिए थी ताकि बिहार में शराबबंदी कानून सफल रहे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।